अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, जब से ये वाली खबर आई है कि यूपी में इंटर पास छात्र कर सकेंगे डीएलएड, तब से दोस्तों बच्चों के नए नए कमेंट्स यहाँ पर आने लगे हैं। तो हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जी हाँ, काफी ज्यादा बच्चों के मन में अब डाउट आ चुका है कि क्या जो मेरिट का सिस्टम हो गया नए तरीके से, क्या इसमें सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की ही मेरिट जोड़ी जाएगी, क्या ग्रेजुएशन की मेरिट को हटा दिया जाएगा, क्या अब आपका रिजल्ट 200 नंबर में बनेगा। आपके जो भी मन में सवाल होंगे उसका आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होने वाली है कि जो 12वीं पास छात्रों को मौका देने की बात न्यूज़पेपर के माध्यम से रखी गई है, ये नियम कब से लागू होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट भी जरा देख सकते हैं आप लोग कि सर मेरी बीए की सेकेंड ईयर है तो क्या मैं डीएलएड में फॉर्म भर दूं 12th से, मतलब ऐसा। ठीक है, लेकिन देखिए अभी 12वीं पास छात्र आवेदन तभी कर पाएंगे जब दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन में आएंगे ना। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरते हैं जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट वन होता है, पेज वन आता है, यहाँ पर देखिए लिखा होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों अभी ग्रेजुएशन शो कर रहा है, जब तक यहाँ पर 12th शो नहीं करेगा इंटरमीडिएट, तब तक आप लोग 12वीं पास छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो अभी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटा दिए। ठीक है, ये बड़ी खबर है, लेकिन वेबसाइट में कब तक बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। अदालत का प्रदेश सरकार को निर्देश, सभी याचिकाओं को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर है, अब देखते हैं कब तक ये मामला होता है और कब तक यहाँ पर 12th वाला मतलब कॉलम आ जाएगा, जिससे ग्रेजुएशन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर 12वीं लिख दिया जाएगा, उसके बाद सभी बच्चे आवेदन कर पाएंगे। अब एक सवाल ये होगा, देखिए आप लोग के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को हम इस वीडियो में पिक करते हैं। देखिए एक बच्चे का कमेंट आता है, अच्छा क्वेश्चन है, डायट या प्राइवेट कॉलेज। देखिए सर मैंने आपसे डायट और प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होगा ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मेरे शहर से डायट कॉलेज 30 किलोमीटर है, जिसमें आने जाने का किराया 120 रुपये पर डे का होगा। इस हिसाब से मेरा 2 साल का सब टोटल 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा, सर बताइए कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए अगर आप लोग कोई कमेंट करते हैं तो उसको अच्छे से देखा जाता है, ठीक है, एनालाइज किया जाता है। अब देखिए, अब हमने देखा भाई गूगल पर कि 1 साल में कितने वर्किंग डेज होते हैं, तो यहाँ पर लिख कर आया 260 वर्किंग डे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 260 ये कैसे आया, ये दोस्तों आया है मंडे टू फ्राइडे को लेकर, मतलब सैटरडे और संडे को छुट्टी मानकर लिया गया। ठीक है, संडे वाली छुट्टी हमारी हमेशा रहेगी, ये बात हमें अच्छे से क्लियर है। तो एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग डीएलएड का कोर्स करेंगे 2 साल का, तो 2 साल में दोस्तों आपकी टोटल 4 बार टीचिंग लगेगी, जो फर्स्ट टीचिंग आपकी लगती है पहली वाली, ये इसमें 30 वर्किंग डेज होता है। ठीक है, ये लगेगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपकी जो टीचिंग लगेगी इसमें भी 30 वर्किंग डेज होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर भी 30 वर्किंग डे होगा, और फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर भी आपका 30 वर्किंग डेज होगा। तो 30 वर्किंग डेज होने के लिए कम से कम आपका 1 महीने में नहीं, कम से कम 1.5, ठीक है, 1.5 महीने का समय लग जाता है, या मान के चलिए 45 दिन में आपकी एक टीचिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, इस हिसाब से देखिए 45 × 90, 9 × 18, 180। ठीक है, तो लगभग दोस्तों आपका 2 साल में 6 महीना आपका टीचिंग में चला जाता है। ठीक है, जो 4 सेमेस्टर की टीचिंग लगती है 6 to 8 लगती है, बाकी जो आपकी टीचिंग लगेगी 1 to 5 लगेगी। ठीक है, ये बात आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके घर से डायट दूर है और जो आप ये टीचिंग लगवाते हैं, ये आप अपने मन से किसी भी विद्यालय में टीचिंग लगवा सकते हैं। अगर आपके घर के बगल में भैया सिर्फ 100 मीटर दूर अगर कोई विद्यालय है तो उसमें भी आप टीचिंग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 120 रुपये किराया तो पर डे का पड़ेगा, लेकिन फिर आप जो 120 के हिसाब से निकलवाएंगे तो 1 साल में मैक्सिमम आपकी जो क्लासेस होंगी वो 180 मान के चलिएगा। ठीक है, 150 से 180, ठीक है, दूसरे साल भी 150 से 180। ठीक है, तो आप 150 × 120 कर दीजिएगा। ठीक है, 12 × 5 = 60 का 0, 12 × 12 = 6 = 18। ठीक है, 1 0 बढ़ गया, लगभग आपका 18,000 से लेके मान लीजिए कि मैक्सिमम 180 दिन अगर आप स्कूल चले जाते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 0 से 0 आया, 12 × 8 = 96। ठीक है, हासिल 9, 12 × 12 = 12,
और 9 हो गया 21, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों लगभग 22,000 रुपये। और आपकी फीस क्या लगेगी डाइट में? 10,200 रुपये 1 साल की, दूसरे साल की 10,200, 2 साल में टोटल दोस्तों आपको 20,400 देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से एक और बात आपको समझनी है, 2,500 रुपये लास्ट में यहाँ पर रिफंड होता है, ठीक है। काशन मनी यहाँ पर जमा होती है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। टोटल 10,200 देंगे तो 2 साल के बाद आपका 2,500 रिफंड होगा, और इसमें दोस्तों लगभग 2,500 रुपये आपका रहता है घूमने वाला, ठीक है। तो ये भी आपका फ्री रहेगा स्काउट के नाम पर। तो लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, अब वहां पर भी समझ लीजिए पहले। अगर आप घर से कोई प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, ठीक है, वहां पर फीस 41,000 1 साल की, दूसरे साल भी 41,000, उसके बाद प्रैक्टिकल के नाम पर, एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर हर जगह काफी ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस तो भाई डाट में भी लगेगी, लेकिन वही लगेगी जो रूल होगा, लेकिन प्राइवेट में 2 गुना 3 4 गुना कितना भी वसूला जा सकता है, ठीक है। स्काउट के नाम पर दोस्तों जो डाइट में 2,500 फ्री रहेगा, यहाँ पर आपसे अलग से पैसे चार्ज होंगे, प्रैक्टिकल के नाम पर होंगे, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज भी ये मान के चलिएगा, मान लीजिए कि आपका भाई सरकारी विद्यालय में 120 रुपये पर डे का चार्ज लग रहा है, तो प्राइवेट में ये तो मान के चलेंगे ना पर डे कम से कम 40 से 50 रुपये तो लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज आपके घर के बिल्कुल नज़दीक हो, अगर आप बाइक से भी जाएंगे 10 किलोमीटर दूर कॉलेज है तो पर डे 50 रुपये का तेल लग जाना है। तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन अपने करिएगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो। बाकी टीचिंग वाला मैटर है, वहां पर डायट में आप फायदा उठाएंगे। बाकी देखिए कोई भी डायट ऐसा नहीं होता कि जहां पर आप 100% जाएंगे। 1 वीक में 6 दिन है, तो मान लीजिए 5 ही दिन तो क्लास करेंगे, एक तो छुट्टी मारी लेंगे, ठीक है। तो कुछ जगह हो सकता है कि बिल्कुल भी आपको छुट्टी ना मिले, लेकिन कुछ जगह आप मैनेज करवा लेंगे। अब देखिए अगला कमेंट आता है, सर अब तो कट ऑफ भी 12th हाई स्कूल और इंटर के बेसिस पर ही बनेगा। अभी देखिए जब से 12वीं के बेस पर मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है, जो अभी मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक अभी ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी आप लोग का 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बेस पर ही फिलहाल अभी मेरिट बनेगी, देखते हैं कब तक वेबसाइट में बदलाव होता है। सर क्या जो ग्रेजुएशन का जो फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है वो रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। सर क्या BA प्राइवेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? देखिए DLED में अभी आवेदन की जो योग्यता है एडमिशन की वो ग्रेजुएशन है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है चाहे आपने प्राइवेट किया हो चाहे रेगुलर भर सकते हैं। मैं 2 दिन से कमेंट कर रही हूँ सर, आप मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिए। देखिए आपका यहाँ कमेंट जरूर दिख रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर नहीं शो हुआ है, तो इस वीडियो में आप अपना कमेंट रख दीजिएगा। सर BTC में एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी से डिग्री मंगानी जरूरी है क्या? नहीं, प्रोविजनल से काम चल जाएगा, फिलहाल ऑनलाइन रिजल्ट और प्रोविजनल, ठीक है, वो टाइम लगेगा अभी आपका। 12th के बाद होगी DLED तो फिर सैलरी भी कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी आपकी वही रहेगी। देखिए इंडिया में बहुत से ऐसे DLED कॉलेज हैं, अपने देखिए उत्तर प्रदेश की बात अलग है, यूपी में दोस्तों ग्रेजुएशन बेस है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां 12वीं बेस पर अभी भी DLED होता है। लेकिन 12वीं बेस पर अगर DLED होगा तो हो सकता है कि आपको 6 to 8 वाली वैकेंसी से बाहर माना जाए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बेस पर रहेगा तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों वैकेंसी में रहेंगे, लेकिन हो सकता है 12वीं बेस पर तो ये 6 to 8 वाली दिक्कत आएगी। सर ये सारी न्यूज तो हमारी सस्पेंस को और भी बढ़ा दे रही है। पहले तो रजिस्ट्रेशन में SGPA और CGPA को लेकर टेंशन थी, जिसमें पूर्णांक का प्राप्तांक का प्रॉब्लम था, अब ये न्यूज। जी हाँ, ये न्यूज कोर्ट के माध्यम से आएगी, देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दाखिले के लिए स्नातक की शर्त हटा दी है। ये दोस्तों कोर्ट से अपडेट है, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप लोग अपना फॉर्म भरते रहिए, फिलहाल अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, ग्रेजुएशन बेस पर ही फॉर्म भरिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं फाइनल में कैसी कटा बनाई जाती है, जल्द से जल्द आवेदन करिए और आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।